हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट वे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे सीगर लाइव सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सीगर लाइव एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैंने डेली बेसिस पे यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और देखिए, ये कुछ स्टॉक्स है जो मैंने यूट्यूब पे आप लोगों के साथ शेयर करे थे जिसने यहाँ पे 4 से 5 महीने में 45% का रिटर्न। उसके बाद देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया था यूट्यूब पे, यहाँ से इसने देखिए ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर 54% का रिटर्न। देखिए, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक शेयर किया था जो यहाँ पे एक बार हमारे टारगेट को अचीव करने के बाद दोबारा से रेडी हो रहा है, आप इस पर फोकस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी स्टॉक मुझे दिखते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। देखिए, ये एक स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसने एक साइडवेज एरिया क्रिएट किया, उसके बाद हमारे टारगेट को आज अचीव कर लिया है। यहाँ पे देखिए, जिस भी स्टॉक्स में मुझे ठीक ठाक एंट्री दिखती है मैं कोशिश करता हूँ कि वो स्टॉक्स आप लोगों के साथ लेके आऊँ। याद रखिएगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो जो भी स्टॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करनी है तो अपने हिसाब से एनालाइज करने के बाद ही करें। और ये देखिए, ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप जहां पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के ट्रेड देता हूं। यहां पे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आज देखिए, हमारे पेड ग्रुप में मैंने यहां पे एक ट्रेड दिया था निफ्टी का, 22,000 का कॉल दिया था मैंने 12 रुपए पे। एसएल 6 रुपए का था, टारगेट था 30 रुपए तक का। इसने, अगर आप देखेंगे, इसने कितने परसेंट का हाई लगाया, इसने हाई लगाया था 250 रुपए का। ये है हमारा लर्निंग ग्रुप यानी कि प्रीमियम ग्रुप जहाँ पे मैं ऑप्शंस के डेली ट्रेड देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जो भी हमारे प्रीमियम ग्रुप में है। तो अगर आप भी हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस पर्टिकुलर, ये जो हमारा पर्टिकुलर प्लान है इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये 3 मंथ का प्लान और ये 1 ईयर का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया है। अभी ओवरऑल हमारा लाइफ टाइम का प्लान है। लाइफ टाइम के प्लान में आपको हमारा स्टॉक के रिकमेंडेशन का ग्रुप एंड ऑप्शन के रिकमेंडेशन ग्रुप दोनों का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो हमारे लर्निंग ग्रुप को यानी कि प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बोला, किसी भी स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करने से पहले अपने हिसाब से एनालाइज जरूर करें। मैं यहाँ पे जितने भी स्टॉक शेयर करता हूँ वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज तिरुमलाई केम। तिरुमलाई केम को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ तिरुमलाई केम शेयर किया था अगस्त 24 के आसपास। और यहाँ से देखिए प्राइस ने क्या किया है, यहाँ से प्राइस ने एक छोटी सी रैली दी थी, मैं यहाँ से अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था। इसने एक 12% का स्विंग का मोमेंटम देने के बाद अच्छा खासा फॉल किया। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए, ये रिवाइव करके दोबारा से हमारे दोनों टारगेट्स को ऑलमोस्ट अचीव आज कर चुका है, ठीक है। हमारे दोनों टारगेट्स को ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है, इसीलिए स्टॉक में आप लोगों के साथ दोबारा लेके आया हूँ। इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखिए पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक काइंड ऑफ राउंडिंग फॉर्मेशन बना के जा रहा है। बट ये जो हमारा रिट्रेसमेंट था, जैसा मैं बोलता हूँ, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से देखिए, ट्रेंड लाइन से प्राइस कंटिन्यूअसली बाउंस करता करता जा रहा था। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक क्यों हुआ, इसका सिंपल रीजन ये था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा, नॉर्मल रिटेलर सोचेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, प्राइस फॉल कर सकता है, यहाँ से बेच के निकलो। और उसी मैनिपुलेशन का फायदा उठा के ऑपरेटर्स ने देखिए ये पर्टिकुलर एरिया जो था हमारा, जहां से प्राइस ने मल्टीपल टाइम यहाँ से कंजेशन क्रिएट किया था, प्राइस ने उसी एरिया पे आके मल्टीपल टाइम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे होल्ड किया और यहाँ से देखिए प्राइस ने बाउंस किया। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे उसने एक डोजी कैंडल यहाँ पे बना दी और डोजी कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो प्राइस एक्शन कोर्स जो मैंने फ्री आप लोगों के लिए यूट्यूब पे बनाया है, जिसमें मैंने कैंडल स्टिक्स में आप लोगों को मास्टरी कराने की कोशिश करी है, हर एक वीडियो में मैंने कुछ एडवांस लेवल पे चीजें बताने की कोशिश करी है। अगर आप चाहें तो हमारा फ्री प्राइस एक्शन कोर्स जो प्रॉपर कैंडलस्टिक की सीरीज है, उसे जाके देख सकते हैं। और वहां से देखिए प्राइस ने एक सस्टेनेबल कैंडलस्टिक बना के यहाँ से एक मोमेंटम देता हुआ दिख गया। इसने समय लिया है, मैं मानता हूं हर स्टॉक एक तरीके से नहीं भागेंगे, हर एक स्टॉक का अपना एक बिहेवियर होता है, उनके ऑपरेटर्स का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। इसके नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, अगर मैं आपको नेक्स्ट टारगेट बता दूं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 295 के आसपास का, और उसके बाद का हमारा टारगेट होगा 320 के आसपास का। ये टारगेट हमारा ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। और अगर आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझे, प्राइस अगर इन एरियाज तक आता है जो हमारा ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई था, तो यहाँ से प्राइस ने जितने परसेंट फॉल करा था वो उतने परसेंट ऊपर भी जाएगा। जैसे हम डेप्थ को मेजर करते हैं, उसे मेजर कर लेते हैं एक बार,
48% हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे, वो हमारे आने वाले टारगेट हो जाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक बार को मैं 45% तक देख लेता हूँ, अगर 45% तक भी देखता हूँ तो प्राइस हमें यहाँ तक ट्रेवल करता हुआ फ्यूचर में दिख सकता है। और अगर इस एरिया से हम देखें ये कितना ट्रेवल कर सकता है, तो ऑलमोस्ट ये 76% तक का मोमेंटम दे सकता है आने वाले समय में। ये तो सिर्फ पैटर्न के अकॉर्डिंग, अगर प्राइस इस एरिया तक पहुंचेगा तो ये और भी ऊपर जा सकता है। तो ये था आज का हमारा पहला स्टॉक तिरुमला कैम। बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है व्हर्लपूल इंडिया। व्हर्लपूल इंडिया को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, व्हर्लपूल इंडिया ने देखिए क्या किया है, इसी पर्टिकुलर एरिया से देखिए हमें एक मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिखा था व्हर्लपूल इंडिया में। याद रखिएगा ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का स्टॉक है, और यहाँ से देखिए इसने अच्छा खासा फॉल किया, एक साइडवेज एरिया क्रिएट किया। ये देखिए हमें एक साइडवेज एरिया क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक साइडवेज एरिया क्रिएट किया। साइडवेज एरिया क्रिएट करने के बाद उस एरिया को ब्रेक किया, और ये जो हमारा प्रीवियस एरिया ऑफ डिमांड था जहां से प्राइस ने मोमेंटम दिया था, प्राइस उसी एरिया पे आके देखिए अभी इसने क्या कैंडल बना दिया है, इसने यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना दिया है, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या कैंडल बना दिया है, इसने यहाँ पे बुलिश पिन बार टाइप का या फिर हैमर टाइप का कैंडल आप बोल सकते हैं जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से हमें क्या दिखता है, प्राइस ने आज यहाँ पे इस एरिया के पास ओपन करके यहाँ से अच्छा खासा फॉल करने की कोशिश करी थी, बट बायर्स ने अपना जोर लगा के प्राइस को पूरा का पूरा पुश किया है, और जो सेलर्स का टेरिटरी था, सेलर्स के टेरिटरी में भी बायर्स घुस के उसे कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमें आने वाले समय में स्विंग में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे, अगर मैं आपको बता दूं तो होगा 1311 रुपए के आसपास का, और अगर हमारा सेकंड टारगेट आपको बताऊं वो होगा 1378 तक का। जस्ट बिकॉज ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है इसलिए इसमें टारगेट छोटे हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, और अगर ये एरियाज हमारे ब्रेक हो जाते हैं तो आने वाले समय में ये इन एरियाज तक भी जा सकता है जो है मेरे फर्दर टारगेट्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है केम्फेयर बल्कालीस। देखिए केम्फेयर बल्कालीस को मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ शेयर करा था 5 दिनों पहले, यहाँ पे 453 के आसपास। अगर आप हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल चेक करें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 453 पे मैंने कब शेयर किया था, February 15th को। मैंने शॉर्ट टर्म टारगेट बोला था 500 एंड 850। प्राइस ने देखिए यहाँ से 4 दिन फॉल करा है, 4 दिन फॉल करने के बाद आज एक ही दिन में एक बार में 20% की यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी है। मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक इस एरिया के आसपास क्यों बोला, चलिए समझते हैं। एक बार मैं इन एरियाज को यहाँ से हटा देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को लेके चलते हैं। इस चार्ट को अगर आप एक बार यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइस क्या करना चाह रहा है, ये प्राइस ये करना चाह रहा है कि यहां से इस तरीके से अगर हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन को एक बार को एक्सटेंड कर दें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ ये पर्टिकुलर एरिया से प्राइस ने फॉल किया, यहाँ से फॉल किया, हमने सीधे इन दोनों एरियाज को मिला के ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो मुझे ये जो गैप अवेलेबल था इस एरिया के आसपास से 453 के आसपास से, ये गैप मुझे यहाँ पे मेजर होता हुआ दिख रहा था कि यहाँ से 20-27% तक की रैली ये पर्टिकुलर स्टॉक और भी दे सकता है, और अगर फ्यूचर में इन एरियाज को ब्रेक करता है तो ये और भी ऊपर जा सकता है। प्लस हमारा एक और कॉन्फिडेंस था, एक और कॉन्फिडेंस क्या था, यहाँ पे हमें राउंडिंग कर्व टाइप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये देखिए एक राउंडिंग कर्व जैसा देखने को मिल रहा है, प्रॉपर कर्व तो नहीं है, इसने एक साइडवेज क्रिएट करके यहाँ से स्ट्रेट बाउंस कर लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या एक राउंडिंग कर्व देखने को मिल रहा है, और अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, इसने जितने परसेंट का यहाँ से फॉल करा था 55%, ये उतना परसेंट ऊपर जा सकता है पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन मार्क कर लें इस तरीके से, इस एरिया का भी देखिए हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और अगर हम वॉल्यूम को एक बार चेक कर ले डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, ये देखिए बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं श्योर शॉट तो कुछ भी मार्केट में नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है इन एरिया से, ये और भी इतना तक जा सकता है। बट स्विंग से जो मेरे नेक्स्ट टारगेट थे, मैं उसी टारगेट पे एक बार के लिए स्टिक रहूंगा। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था 550 के आसपास का, और एक टारगेट मैं आपको देता हूँ वो होगा हमारा 588 के आसपास का, जो मैं आने वाले समय में देख रहा हूँ, दैट इज केम्फेयर बल्कालीस। और आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है मिश्रा धातु निगम। मिश्रा धातु निगम देखिए इस एरिया के आसपास मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करा था, यहाँ से एक बार को अगर हम देखें इसने कितने परसेंट का प्रॉफिट दिया था हमें, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो June 19th से लेके February 5th तक अगर हम देखें, ऑलमोस्ट इसने 93% का प्रॉफिट दिया है, यानी कि 8 मंथ्स के अंदर इसने 93-94% का प्रॉफिट दिया है, विच इज ह्यूज आई से। क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर आप एंटर करते हैं, ठीक है,
और अगर वो आपको एक साल में 30-40% भी ग्रोथ देता है ना, दैट इज वेरी गुड माय बोलो। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है और 10 स्टॉक में से 6 स्टॉक भी अगर 40-50% चलते हैं और अगर 4-5 स्टॉक ऑन एन एवरेज भी चलते हैं ना, तो भी आपका ऑलमोस्ट 60% कैपिटल 30-40% ग्रो हो रहा है। इस तरीके से आपको चीजें सोच के काम करनी चाहिए और उसी तरीके से आपका कैपिटल बड़े समय पे लंबे समय के लिए ग्रो होगा। ठीक है, अब यहां से इसने देखिए क्या करा है, यहां से प्राइस ने एक जंप करने के बाद यहां से एक फॉल करा था। एक बार अगर यहाँ पे एक बार को वॉल्यूम को देख लें, यहाँ पे देखिए आज एक ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिला है हमें। ठीक है, इस एरिया के बाद देखिए वॉल्यूम एकदम ड्राई हो गया था, यहाँ से आज फिर हमें एक वॉल्यूम देखने को मिला है। वॉल्यूम को एक बार मैं हटा देता हूँ, चीजों को समझने की कोशिश करिए, चीजों को जोड़ने का कोशिश करिए, आपको चीजें क्लियर होती हुई दिख जाएंगी। देखिए ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था हमारा छोटा सा, जहां पे मल्टीपल टाइम देखिए प्राइस ने कंजेशन क्रिएट किया है और इसी एरिया से हमें रिएक्शन देखने को मिलता है, प्राइस ने सेम वही चीज करी है। अगर मैं आपको स्विंग में टारगेट बता दूं, हमारा पहला टारगेट होगा स्विंग का यहाँ पे 486 के आसपास का, सेकंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई एक बार के लिए 546 के आसपास का। बट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखें तो चार्ट कहां तक ट्रेवल कर सकता है, हमारे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम टारगेट सेट करते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देख ले तो प्राइस यहां से अभी और नियर अबाउट 56% ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, दैट इज मिश्रा धातु निगम। तो यही चार पर्टिकुलर स्टॉक थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।